और एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, महाराष्ट्र के नांदेड़ से आ रही है। नांदेड़ में कोरोना वायरस महामारी की वजह से जुलूस निकालने की इजाजत नहीं देने पर पुलिस कर्मियों पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण होला मोहल्ला की अनुमति नहीं दी गई थी। इतना ही नहीं, बेकाबू भीड़ ने बैरिकेड्स भी तोड़ दिए। ये विजुअल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सिर्फ जो इनका अगर कहें जुलूस निकालने के लिए पुलिस ने मना किया, कोविड का खतरा मंडरा रहा है इसकी वजह से पुलिस ने मना किया, और उसके बाद ये विजुअल्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से 4 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए। हमारी सहयोगी सांतिया गोरा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। जी सांतिया, और क्या जानकारी है? देखिए, ये जुलूस हर साल निकाला जाता है और उसी के चलते इस साल भी ये जुलूस निकालने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि जिस तरह के पाबंदियां अभी फिलहाल महाराष्ट्र में लगी हुई हैं कोविड के चलते हुए, ये अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन ये चीज जो है वो आरोपियों के गले नहीं उतरी, और आप देख सकते हैं विजुअल्स में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है वो उन्होंने एक तरह से चार्ज किया पुलिस वालों पर, बैरिकेड तोड़े, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, 4 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, तलवारें भी थी कुछ आरोपियों के पास में। तो ये नांदेड़ की घटना है, महाराष्ट्र के नांदेड़ इलाके की, जो कि कल हुई है। होला मोहल्ला करके नाम का एक जुलूस हर साल निकाला जाता है, जिसकी अनुमति नहीं होने के चलते कल 4 पुलिसकर्मियों को आरोपियों ने घायल कर दिया। जी सांति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।